शायद इंट्रो देखकर ही समझ गए, नहीं समझे सच में तो मैं क्यों हूँ, आप लोगों को बताने के लिए ही तो हूँ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं कमलपुर बरलुत्मा राश फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल त्रिपुरा में फेमस है। और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के लोग। पर यहाँ पर हर एक कम्युनिटी रिलीजन के लोग आते हैं फेस्टिवल का आनंद उपभोग करने के लिए। इसीलिए यहाँ का ये फेस्टिवल त्रिपुरा में फेमस है। यहाँ पर दुकान देने के लिए हर एक सब डिविजन के लोग आते हैं और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं ये फेस्टिवल में फेस्टिवल देखने के लिए, जैसे कि अम्बाशा, आगरतला, कुमारघाट, धर्मनगर और भी हैं। यहाँ पर इतना भीड़ होता है कि आप एक जगह रुक जाओगे तो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इतना धक्का मुक्की होता है, ज़्यादातर लोग फेस्टिवल के लास्ट दिन में आते हैं। ये फेस्टिवल 3 दिन तक रहता है। ये फेस्टिवल बेसिकली विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के लोगों का ही फेस्टिवल है। पर इस फेस्टिवल का आनंद हर एक कम्युनिटी रिलीजन के लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया धर्म निरपेक्ष कंट्री है और हम सब एक दूसरे के फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। ये टेंपल प्रभु जगन्नाथ देव का टेंपल है और यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ देव विराजमान करते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट, स्टेशनरी से लेकर हर एक चीज का दुकान है, रूम डेकोरेटिंग, डॉल और भी बहुत सारे। आज ही फेस्टिवल का लास्ट डेट है। यहाँ पर देखने के लिए सर्कस है, बतका कुआ है, आप नागरदुला में भी चढ़ सकते हैं, म्यूजियम भी है। आज ही फेस्टिवल का लास्ट डे है। विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के लोग लॉर्ड कृष्णा, राधा और जगन्नाथ को पूजते हैं। आज राधा
और लॉर्ड कृष्ण की लीला और नृत्य होगा। इसी की तैयारी चल रहा है, तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि ठंड बहुत लग रहा है। और स्पेशली लोगों के लिए यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया गया है। यहाँ से वीडियो को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।